अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। सभी के साथ आज फिर आपसे वेलकम कर रहे हैं। आज तो दरअसल हमने आज जो है उस दिन की थी सारी डिस्कस जो भी थी, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसर का जो हमारा पहला रह गया था। ठीक है, तो सेव हमारे पास जो है वो सेव है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी आप वर्किंग वगैरह कर रहे हैं ना किसी भी काम की, तो उसको आप को जो है ना वो सही तरीके से करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो है वो नहीं लेनी, किसी किस्म के लिए टेंशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल ईजी होकर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जो कि बंदा कर ही ना सके। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अब ये अकाउंट जो है मेरे वो ओपन हो चुके, तो आप इसको जो है ना इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपकी आ रही है जो आपने बीच में स्किल्स वगैरह लगाई हैं। ठीक है, तो उसकी जो है ना यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है। बेसिकली आज हम दो वीडियो बनाएंगे, तो उसके ऊपर आज हम वर्किंग करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो है ये हमारी 6-7 मिनट की होगी, तो बाकी वीडियो जो है वो हमारी जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, हाँ वो भी हम कैनवा के अगला लेक्चर जो था हमारा वो तकरीबन 2 से 3 लेक्चर हो चुके थे कैनवा के, तो इसीलिए हमने बीच में उसको ये फ्रीलांसिंग का एक नई वेबसाइट की वजह से मैंने आपको इसके लिए गाइड करने के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं कि स्मार यहाँ पर आपको देखने नज़र आ रहे हैं, प्रोफाइल आ रही है, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, खोल के जो भी आपने एडिटिंग वगैरह डालनी हो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से मैंने आपको दोबारा इसके लिए वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने आपको आज इसकी बतानी थी कि इसकी मेन जो चीज़ है वो क्या है। आपने देखा होगा कि जो फाइबर है इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपने देखी होगी कि वो गिग आती है, आप गिग बनाते हैं फाइबर के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपने गिग नहीं बनानी, इसके अंदर आपने जब अपनी प्रोफाइल एक बना लेनी है, एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद इसके अंदर क्या कहते हैं आपको ना अपना एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है, यानी कि जो इमेजेस आपने लगाई होंगी ना अपनी प्रोफाइल के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी होगी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपके इन स्टार्स की होगी। ये जो आप स्टार्स देख रहे हैं इनकी वैल्यू होगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई गिग वगैरह इम्प्रूव नहीं होनी, कोई शेयर नहीं होनी, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जो है ना अपने इसको आप चाहे तो वैसे इसको क्या कर सकते हैं, आप परचेज वगैरह भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें जो है देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपने इसको जो है ना ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट देखने, अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वही कि जो है ये मेरे पास जो है प्रोजेक्ट्स हैं ये आ रहे हैं, ब्लॉग राइट जो आ रहा है, मैंने SEO सर्विस की जो है बनाई थी आप लोगों के सामने, आपको याद होगा। यहाँ पर ब्लॉग राइटर की जॉब आ रही है, मार्केटिंग असिस्टेंट आ रहा है, SEO ऐड क्रिएटिंग आ रही है, इंक्रीज में रैंक। ठीक है, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, इंक्लूडिंग SEO सर्विसेज, लुकिंग फॉर कंटेंट राइटिंग आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास जो है ना आ रही चीज़ें। ठीक है, जॉब्स आ रही है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है ये ओपन कर दी है यहाँ पे ब्लॉग राइटर की जॉब का, ये मेरे पास इसका पेज खुल गया। ठीक है, अब ये मुझे कितने पैसे बता रहा है, 250 पाउंड टू 750 पाउंड बता रहा है, बिडिंग एंड इन 6 डेज।
इसमें बिड होती है, बिड करनी होती है आपने। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रही है 5 बिड लेफ्ट आउट ऑफ 6, यानी कि जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो मेरे पास 6 बिड आई थी, उसमें से मेरे पास 5 रह गई, एक मैंने बिड कर दी हुई है। एक मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपने बिड करनी किस तरह से, बाकी आप खुद ठीक है आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है। वी आर सर्चिंग फॉर अ ब्लॉग राइटर टू ज्वाइन एंड सपोर्ट आवर ग्रोइंग टीम हु इज क्रिएटिवली द आइडियल कैंडिडेट कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑडियंस अटेंशन एज वेल एज समवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड कंडक्ट रिसर्च एंड फैक्ट चेक। यानी कि वो कह रहा है कि आप हमें ब्लॉग राइटर की ज़रूरत है जो कि क्रिएटिव हो, यानी कि जो कि वेल ड्रेसिस हो, जिसको सारी काम की समझ वगैरह हो, जो आइडियल कैंडिडेट, यानी कि जो एक आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए, कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑडियंस अटेंशन, जो कि लोगों की जो मतवजा है वो हमारी तरफ करे, और एज वेल एज समवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड, कोई एक जो इसके अंदर समझदारी रखता है एंड टॉपिक कंडक्ट रिसर्च और रिसर्च के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जो है ना हम जानकारी रखते हो, एंड फैक्ट चेक और हकीकत को देखते हो। क्वालिफिकेशन को चाहिए वैलिडिटी प्रोडक्ट से मूवी कॉन्टैक्ट द लाइव वीडियोस एंड ग्राफ्स वगैरह, ये जो भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपने जो है ना वो बिड करनी है। आपको अगर आपको समझ आती हो कि ये काम आपको कर सकते हैं, ये आपको समझ में आता है, अब मुझे ये इसकी समझ में सही बात है, मुझे कोई नहीं है, क्योंकि मेरे मकसद का ये काम ही है, तो इसलिए मुझे इसकी कोई समझ नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको बैक कर देता हूँ। सीधी सी बात है भाई, जो बंदे को काम आता हो बंदे को वो करना चाहिए, बंदे को उल्टे सीधे कामों में हाथ टांग नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो आगे आ जाती है हमारे पास SEO एड क्रिएशन आ रहा है, बजट $8 है, $15 USD पर डॉलर दे रहा है। इंस्टाग्राम गूगल एड्स फेसबुक पिंटरेस्ट, वो कह रहा है कि जी इंस्टाग्राम गूगल और एड्स और फेसबुक पिंटरेस्ट, यानी कि इसके ऊपर जो है वो स्टार्स कोई नहीं है। आपने क्वेश्चन ये करनी है, जिसके पास ये स्टार्स आ रहे होंगे ना 5 स्टार, आपने उसके ऊपर जाके आपने जो है ना बिडिंग करनी है। कुछ अभी देखें, यहाँ पर इसके पास 30 बिड्स आए हुए हैं, इसके पास 12 आए हुए हैं, इसके पास 8 आए हैं, ठीक है। लोगों ने इसको भी बिड किया हुआ है, लेकिन अब मजबूरी काम की वजह से लोग कर देते हैं बिडिंग के, या चलो कर देते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे डिजिटल मार्केटिंग ऑफ न्यू कंपनी इंक्लूडिंग SEO एंड SEM, बजट 50 to 25 to 50 US डॉट कॉम, नियर एस्टेब्लिश बिजनेस सिंपल कॉन्टैक्ट बटन के लिए नहीं है, इसके ऊपर 20 बिड आई हुई है, इसके ऊपर जो है 49 बिड आई हुई है। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रोवाइड SEO सर्विस फॉर माय वेबसाइट, देखो कीवर्ड दैट आई एम टारगेटिंग माय मास्टर जर्मनी स्टडी अबाउट अबाउट एंड यूरोप, कैन डिस्कस इट इन डिटेल्स, ये अच्छी लग रही है, इसके ऊपर चेक करते हैं यहाँ क्या करता है। अब ये देखिए ये आ गई है, अब इसने बताया हमें कि वो हमें कितने पैसे दे रहा है, 30 to 25 यूरो हमें वो दे रहा है, 30 यूरो एक दे रहा वो हमें एक घंटे के। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 2 दिन, ठीक है, और यहाँ पर आपने प्राइस जो है वो आपने ना मैक्सिमम कमी लगानी है। अब उसकी प्राइस रेंज देखें आपके 250 यूरो है, तो आपने इसको यहाँ पर देना है, ये उसने नीचे वैल्यू ऐड कर दी है 30 यूरो की, आपने इसको यहाँ पर देना है 50 यूरो पर आवर के, ठीक है। ताकि आपको यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख दें, हेलो हाउ आर यू, आई एम ऑन दिस लेट,
भाई। और ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा $50 की अमाउंट शो हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर बिल प्लेस भी डाला है, इसको आपने प्लेस कर देना ठीक है। जब प्लेस हो जाएगी ना बिट, तो आपके पास जो है यहाँ पर ये शो हो जाएगा, पेज आ जाएगा आपके पास। तो ये प्रपोजल है, योर रैंक इज 49 आउट ऑफ 50 प्रपोजल्स। ये मेरा नाम वगैरह सारा कुछ डिटेल नहीं जो है वो यहाँ पर आ रही। अच्छा, आप इस बीट को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से और रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिट्रैक्ट कर सकते हैं यानी कि कैंसिल कर सकते हैं आप। अभी आप इसको ये जो आई है ना इन 2 डेज, तो ये 6 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा ठीक है। आप इससे पहले कि एक्सपायर हो, एक्सपायर होने से पहले पहले आपने इसको रिट्रैक्ट कर देना है यहाँ से ठीक है। चलें ठीक है, आज का लेक्चर हमारा जो था वो यहीं तक थी, यहीं था कि बिट वगैरह जो है वो किस तरह से करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह हम वो उसके लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह हम जो है ना आपको बताएंगे कि विड्रॉ कैसे करना है, और जो है बाकी आपने जो है ना इसके अंदर से क्या कहते हैं इसको, अपने कस्टमर से डीलिंग वगैरह किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को बताएँ, सबको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।